लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को चंद लोगों की जागीर बनाकर रखा गया था। अभी चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, और उनके पास जमीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है उन्हें जमीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सब ने किया, कैसे लोगों को 5 मरला मैंने 150 वर्ग गज जमीन दी जाए, और अभी 2711 गरीब लोगों को जगह दी गई है ताकि वो अपना घर, अपनी छत बना सकें, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश में सबके पास अपना आशियाना हो, अपना घर हो, वो पूरा हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया है, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर अपने घर बनाए, अपने नज़दीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति पर हक उनका है, गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रहनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अब ये व्यवस्था खत्म हो गई, भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई। अब जो प्रशासन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है, ये बात उन्हें समझनी होगी।